नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। हम आज आए हैं जबलपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जिसका नाम है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 7वीं शताब्दी हो रही है इस मंदिर को निर्माण हुए। हमारे साथ पंडित जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की क्या खास बात है। माना जाता है कि यहाँ राजा कर्ण नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो सवा मन सोना दान किया करते थे। सही बात है पंडित जी? जो माता जी हैं जी। विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति हैं जो तीन महाशक्ति एक साथ हैं, श्री महाकाली देवी, श्री महाकाली देवी, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, तीन देवी एक साथ हैं और पद्मासन में बैठी हुई हैं और एक ही शिला में है ना। ऊपर आप देखोगे तो माता जी के कोई नौ देवी बोलता है, कोई है ना, ऊपर भी माता जी एक ही शिला में नौ देवी हैं टोटल। तो ये राजा कर्ण की कलचुरीकालीन देवी हैं, 1400 वर्ष पुरानी, 7वीं शताब्दी की है ना, अनगढ़ है वो, वहाँ वहीं से वो निकली हैं। और ऐसी बताते हैं सियाने पूर्वज से सुनते आ रहे हैं कि जी जो राजा कर्ण थे, कलचुरीकालीन के राजा कर्ण देव, वो माता जी के बहुत परम भक्त थे। अच्छा। दान देने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण वो अपना राजपाट सब दान में दे देते। तो दान में क्या दान किया करते थे? दान में उनके दरबार में जो भिक्षुक लोग आते थे, जो मांगते थे, मोह मांगा दान देते थे, सोना चांदी आभूषण जमीन जो मांगते थे वो देते थे। और माता रानी उनको इष्ट रहती थी। जब दान देने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण अपना राजपाट सब दान में दे देते हैं। एक स्थिति ऐसी आती कि दान देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी नहीं बचती, तो वो सोचते हैं कि या फिर भिक्षुक लोग आएंगे, दान मांगेंगे, अगर दान नहीं देंगे तो कलंक लगेगा। ये सोच के वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि माता रानी कलंक लगेगा। तो माता जी प्रसन्न होती हैं और सवा मन को सोना दान देने की उनको विधान बताते हैं। तो माता रानी सुबह 4 बजे डेली राजा कर्ण माता जी की पूजा करते थे, माता जी दर्शन देती थी और उनको डेली सवा मन को सोना दान में मिलता था माता जी द्वारा, और वो डेली दान में बांटता था। और यहाँ से आप जो मेन रोड से, हाईवे रोड से टर्न होंगे, यहाँ सोने के हड़ा, कंकड़, पत्थर आदि मूर्ति, बहुत सारी चीज़ें प्राचीन दिव्य मूर्ति निकली है। आप जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय वहाँ देखेंगे, प्राय त्रिपुरसुंदरी मंदिर की ही मूर्ति वहाँ पर है। अच्छा। है ना। और यहाँ पर प्रहलाद जी द्वारा, यहाँ पर पुरातत्व के द्वारा एक सर्वेक्षण टीम है, वो खोज कर रही है। तो यहाँ भी अभी मूर्ति निकल रही है, भंडारे निकल रहे हैं। ये हुआ माता जी का इतिहास। दूसरी बात, नवरात्रि में विशेष तौर पर दर्शनार्थी के लिए 4 बजे से 6 बजे जल चढ़ाने का टाइम रहता है। 4 बजे से 6 बजे आए, जल चढ़ाएं, दर्शन करें और 9 अखंड ज्योति जलती है 9 दिन के लिए, जवारे रखे जाते हैं। तो यहाँ पर माता रानी की कुछ ऐसी कृपा रहती है कि जो आदमी जो मन्नत मांगते हैं देश विदेशों से, देश प्रदेशों से आते हैं, तो माता रानी की कामना पूर्ण करती हैं। तो माता जी की कृपा से तो अभी नवरात्रि के समय पर लाखों लोग आते हैं, है ना। तो 9 दिन तक डेली जल चढ़ाया जाता है, 9वें दिन जवारे निकाले जाते हैं। ये विशेष कहलाता है अपन। अच्छा, माना जाता है कि जो राजा कर्ण थे वो माता जी के सामने खोलते हुए तेल में कूद पड़े थे, इसका क्या मतलब? इसमें ऐसी मान्यता बताई गई है, सियाने लोग बताते थे कि जो राजा कर्ण थे कलचुरी काल में बहुत बड़े साधक थे, साधक थे, योगी राज थे वो। तो वो क्या करते थे, माता जी को प्रसन्न, जब प्रसन्न नहीं होती थी तो खोलती कढ़ाओं में अपना शरीर अर्पित करते थे। जब शरीर को अर्पित करते थे तो माता जी प्रसन्न होती थी, माता जी जब प्रसन्न होती थी आशीर्वाद देते थे, उनका शरीर पुनः ज्यों का त्यों हो जाता था। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर। तो ये त्रिपुर नाम कब पड़ा इसका, इस मंदिर का? इसमें तीन कारण है त्रिपुरसुंदरी। एक तो तीन महासुंदरी है, महाकाली, महालक्ष्मी, त्रिपुरसुंदरी देवी के कारण त्रिपुरसुंदरी माता कहा जाता है। दूसरा, इतिहास की बात अगर अपन करते तो यहाँ पर त्रिपुरसुंदर नाम का एक राक्षस था। अच्छा। उनकी ये नगरी थी जी। तो त्रिपुरसुंदरी नगरी राक्षस का वध होने के कारण, माता रानी द्वारा वध हुआ था, है ना, माता जी की कृपा से उनका जब वध हुआ था तो उनका नाम भी त्रिपुरसुंदरी रखा गया। अच्छा। माना जाता है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ दान पेटी में जो हमारे भारत की मुद्रा है उसके अलावा विदेशी मुद्राएं भी दान की। हाँ, यहाँ पर माता रानी के जो भक्त हैं देश विदेश सभी जगह हैं, वो लोग क्या करते हैं, बाहरी से विदेशों से मन्नत, अपनी मन्नत करते हैं। जब उनकी मन्नत पूर्ण होती है तो वो दर्शन के लिए आते हैं, अपना नारियल छोड़ते हैं। जब नारियल छोड़ते हैं तो वो विदेशी मुद्रा ही दान पेटी में डालते हैं, विदेशी मुद्राएं ही दान के। तो विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ? हाँ, बहुत आते हैं और कंटिन्यू आते हैं। अच्छा। साल में एक बार वो आएंगे ही, माता रानी की कृपा से उनकी मन्नत पूर्ण। माना जाता है कि इसके पहले त्रिपुर मंदिर का नाम कुछ और था।
हाँ देखो, इसमें त्रिपुरसुंदरी मंदिर, एक तो त्रिपुरसुंदरी माता की नगरी होने के कारण त्रिपुरसुंदरी मंदिर बोलते हैं। एक था राजा गांगे के जो पुत्र थे राजा करण देव, उस समय हथियागढ़ की थे, यहाँ पर हथिया हाथियों का बहुत था। अच्छा, तो इसको हथियागढ़ बोलते हैं ये जो जगह है। हाँ, त्रिपुरसुंदरी को पहले हथियागढ़ भी बोलते थे। अच्छा। और राजा हथियागढ़ और करण बेल भी बोलते थे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो मंदिर प्रांगण में है ना, यहाँ पर सब बेले ही बेल लगे रहते थे चारों तरफ। हैं, एक तो हाथियों की सवारी होने के कारण, हाथियों का बहुत बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण, बहु हाथियों का यहाँ साम है ना होने का हथियागढ़ भी बोला जाता है, और करण राजा करण बेल भी बोला जाता है। करण तो इनके तीन नाम है। करनेबल क्यों नाम पड़ा था इस मंदिर में? राजा करनेबल था या करण बेल था। क्योंकि राजा करण की नगरी थी। अच्छा। और जो पूरा जो स्थान था यहाँ बेल ही बेल का पूरा स्थान था, बेल के पेड़ पूरा बहुत ज्यादा, इसलिए राजा करण बेल के नाम से फेमस था ये। अच्छा अच्छा। और दूसरा हथियागढ़, यहाँ हाथियों की सवारी होती थी है ना। ये त्रिपुर नाम स्थापित, त्रिपुर नाम में जो नामांकन हुआ है त्रिपुर नाम का, तो ये कितने वर्ष हो गए त्रिपुर नाम का नामांकन हुआ? ये मेरे ख्याल से त्रिपुरसुंदरी नाम जो प्रधान पुजारी हैं श्री रमेश प्रसाद दुबे बड़े महाराज जी के नाम, उन्होंने त्रिपुरसुंदरी मंदिर का नाम दिया है। अच्छा। उन्हीं के द्वारा पंडित जी कितने साल से यहाँ कार्यरत? वो कम से कम 60 से 70 साल हो गए उन्होंने मूर्ति की खोज की है। अच्छा। और मंदिर को स्थापित हुए कितने साल हो गए? मंदिर को 1951 से अच्छा अखंड जो जली तब से स्थापित आप कह सकते हैं। तो यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी रहती है हमेशा, नवरात्रि में ज्यादा रहती है? देखो माता रानी के दरबारों में भीड़ हमेशा 12 महीने ज्यादा रहती है, लेकिन नवरात्रि में विशेष तौर पर ज्यादा भीड़ मानी जाती है। नवरात्रि में खास बात है। और भी कोई ऐसे पावन या पर्व जो त्यौहार होते हैं? हमेशा अमावस्या, पूना भाई, माघ मास हुआ, बैसाख मास हुआ, तो इसमें इतनी भीड़ रहती है कि नवरात्रि से ज़्यादा भीड़ रहती है कभी। इस मंदिर की खास विशेषता जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? जे माता रानी साक्षात पद्मासन में बैठी हुई है, बर मुद्रा आशीर्वाद का हाथ देती हुई बैठी हुई है, है ना। तो अब माता रानी जो सच्चे दिल से सच्ची भावना के साथ जो भी कामना करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके लिए पुजारी पंडित बबलू दुबे। अच्छा। तो आप कब से कार्यरत हैं यहाँ पर? हम बड़े महाराज जी, वो मेरे पिताजी हैं, हम लोग बचपन से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। बचपन से ही पूजा। तो आरती कब होगी? अब आरती होने वाली 7 बजे आरती। कितने बजे आरती होती है? 8 बजे। 8 बजे शाम को 7 बजे तो आरती अभी होने वाली है, तो आरती हम करके ही जाएंगे। तो ये था त्रिपुर सुंदरी मंदिर। हमने यहाँ के पंडित जी से बात की, उन्होंने बताया कि इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, और इस मंदिर में लोग भारत की मुद्राओं के साथ साथ विदेशी मुद्राएं भी भेंट करते हैं। यहाँ जो भी आता है उसकी मन्नतें पूरी होती है, और नवरात्रि के सीजन में तो यहाँ की भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं शिवम कुशवाहा, कैमरामैन कुलदीप के साथ।